वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 75 तक के क्वेश्चन को हम लोग प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अब जो बचे हुए कुछ क्वेश्चन हैं उसको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि टीपी तथा टीक्यू किसी बाह्य बिंदु खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पीओक्यू 120 का और ओटीपी का मान किसके बराबर है। यहां पे समझो, आप हमें क्या कहा गया कि एक वृत्त है, ये वृत्त रहा, ठीक है। अब इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, पहली स्पर्श रेखा ये हो गई, दूसरी स्पर्श रेखा ये हो गई, ये इसका केंद्र रहा, केंद्र को आप ओ मान लो। यहां से ये इस पे लंब होगा, ये इस पे लंब होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि POQ 120 के बराबर है, ये कितना के बराबर है, 120 डिग्री के, ठीक है। कहा गया कि OTP ये T है, ये P है, हमें क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया OTP किसके बराबर होगा। अब यहां पे आ जाओ, OTP हमसे पूछा गया O T और P, मतलब ये किसके बराबर होगा। ओके, यहां से समझो, आपको यह पता है कि यहां जो कोण बन रहा होगा, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है, अगर त्रिज्या पे लंब होती है तो यह कितना आ जाएगा, तो यह 90 डिग्री आ जाएगा, और यह 90 डिग्री आएगा, और यह 120 है तो यहां पे यह कितना हो जाएगा 60, तो यह आ जाएगा 90 60, कितना आ जाएगा तो 90 प्लस 60 बराबर कितना आ जाएगा 9 6 15, मतलब 150 डिग्री आ जाएगा। और टोटल हमें पता है कि वृत्त के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, इसका मतलब अगर 180 माइनस 150 करेंगे ये कितना आ जाएगा, ये आपको 30 डिग्री का आ जाएगा। तो 30 डिग्री कहां दिया गया, तो हमें विकल्प दो में, इसका मतलब 76 का सही उत्तर विकल्प दो हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। अब दो भिन्न त्रिज्या होगी तो इसका मतलब वो वृत्त समरूप होगा, ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, तो सही उत्तर विकल्प दो होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया गया होता कि दो समान त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होंगे, तो समान त्रिज्या अगर होगी तो क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाते, लेकिन यहां पे उत्तर क्या होगा, समरूप होगा, मतलब विकल्प दो सही उत्तर होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि एक वृत्त की परिधि 2π से बढ़ाकर 4π कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब आपसे क्षेत्रफल पूछा गया। अब सबसे पहले देखो, हम लोग मान लेते हैं वृत्त की परिधि पहले कितना दिया गया, 2π दिया गया, तो केस फर्स्ट ले लो और यहां पे केस सेकंड ले लो। और पहले केस की अगर हम बात करें तो हमें परिधि दिया गया है किसके बराबर, 2π के बराबर, और आपको यह पता है वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, और यह बराबर किसके आ जाएगा, 2π के। इसका मतलब देखो, 2π से 2π कट गया, r बराबर 1 आ गया, और हमें चाहिए क्या, हमें क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr स्क्वायर होता है। πr स्क्वायर कहने का मतलब इसको पाई ही रहने दो, और r स्क्वायर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर, 1 × 1, या आप इसको पाई कह सकते हो। ओके, अब चलो दूसरे केस में। दूसरे केस में क्या हो गया कि वृत्त की परिधि बढ़कर 4π हो गई, इसका मतलब वृत्त की परिधि, और ये बराबर हो गया किसके, ये आ गया आपको 4π के बराबर। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। इसका मतलब 2πr बराबर हो जाएगा किसके, 4π के। पहले पाई से पाई को काट लो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहां से आपको r बराबर 2 मिल गया। अगर r 2 मिल गया, हमें क्या करना है, पहले क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे सर πr स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर कहने का मतलब पाई, और आर स्क्वायर कहने का मतलब 2 का स्क्वायर, जिसको हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं, ये आपको 4π आ गया। ओके, अब देखो, ये पाई था, ये 4π हो गया, कितना गुना, 4 गुना, तो 4 गुना कहां दिया गया, विकल्प डी में, इसका मतलब 78 का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बातें तो समझ में आ गई, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हो, पाई गुना 1 लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, 4 गुना पाई लिख सकते हो, तो 4 गुना हो गया, कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि निम्नांकित में से कौन सी होगी। मतलब समझो कि हमें व्यास दे रखा है, परिधि पूछा गया, तो पहले हम लोग व्यास से त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, त्रिज्या से परिधि ज्ञात कर लेंगे। अब कैसे, यहां समझो, हमें व्यास दे रखा है, व्यास बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर।
व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितना होगा, जिसको हम लोग आर कहते हैं, रेडियस, ये हमें पता है कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या, मतलब 14 का आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्या मिल गया। हमें चाहिए क्या, परिधि चाहिए। हमें यह पता है वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त के परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो 2×22/7, पाई का मान होता है, त्रिज्या के जगह पे 7 रख दो और यह आ जाएगा सेंटीमीटर। 7 से 7 को काट दो, 22 को 2 से गुना करेंगे 44, यह आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। कहां दिया गया, यह हमें दिया गया विकल्प 4 में, मतलब 79 का सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। ओके सॉरी, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल है। सबसे पहले समझो, अब अंतःवर्ग कैसे बनेगा। हम लोग देख लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि एक कोई वृत्त है, ये वृत्त रहा। अब हम लोग मानते हैं कि ये इसका केंद्र है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, तो त्रिज्या हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर के बराबर। अब अंतःवर्ग की बात हो रही है, तो मान लेते हैं ये इसका अंतःवर्ग हो गया, इसका अंतःवर्ग हो गया, ठीक है। अब इसको आप ए मान लो, बी, सी और डी, कोई दिक्कत नहीं। अब त्रिज्या कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह सोचो कि यहां से यहां तक की दूरी हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर। यह 8 सेंटीमीटर होगी, इसका मतलब केंद्र से लेकर के यहां तक की भी दूरी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब आप देखो कि AC मतलब यहां से यहां तक की दूरी आपको मिल गया 8+8 मतलब 16 सेंटीमीटर। तो हम लोग कह सकते हैं AC बराबर कितना मिल गया, तो ये 8+8 बराबर मिल गया 16 सेंटीमीटर के बराबर। ओके, AC 16 सेंटीमीटर। अब गौर से देखो कि अगर हम AC की बात करेंगे तो ये वर्ग के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो ये वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण ये बराबर हो गया किसके, 16 सेंटीमीटर के, या भी इसको 16 रहने दो। अब देखो अगर हम वर्ग के सेंस में बात करेंगे तो ये वर्ग के लिए विकर्ण बन जाएगा, लेकिन अगर हम लोग वृत्त के सेंस में बात करें, वृत्त के लिए व्यास बन जाएगा। बातें समझ में आ गई। इसका मतलब वृत्त का व्यास और वर्ग का विकर्ण बराबर हो गया। अब वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2×भुजा होता है, और ये बराबर किसके आ गया, 16 के, या आप यहां से लिख सकते हो भुजा बराबर 16/√2। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, अंतः वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग यहां से क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अंतः वर्ग का क्षेत्रफल, और अंतः वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होगा, हमें यह पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, और भुजा कितना है 16/√2, यहां पे 16/√2 का वर्ग कर लो। अगर इसका वर्ग करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 16×16/√2 का वर्ग करेंगे 2 आएगा, 2 × 8 = 16, 16 × 8 कितना होगा 128, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब चेक करो कि 128 सेंटीमीटर स्क्वायर कहां दिया गया, यह हमें विकल्प 4 में दिया गया, तो 80 का सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। एक बार इसको रीचेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो यह 8 सेंटीमीटर हो गया। तो अगर वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो गई तो यह टोटल कितना आ जाएगा, AC, और AC कितना आ जाएगा, तो AC आपको आ जाएगा 8+8 = 16, मतलब वर्ग का विकर्ण 16 मिल गया। वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2×भुजा, √2×भुजा = 16, भुजा बराबर 16/√2 आ गया, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है, और भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ गया, तो ये आपको आ गया 16×16/√2×√2, तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब 2 × 8 = 16, 16 × 8 = 128, मतलब विकल्प 4 सही उत्तर होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द्विघात बहुपद x²-2 के शून्यक है। अब शून्यक की अगर बात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पे देखो कि अगर हमें x²-2 बराबर अगर 0 कर दें तो x² किसके आ जाएगा, +2 के बराबर आ जाएगा, या x किसके बराबर आ जाएगा, √2 के बराबर आ जाएगा। √2 कहने का मतलब कितना हो गया,
प्लस रूट दो और माइनस रूट दो। अब देखो प्लस रूट दो और माइनस रूट दो कहां दिया गया, तो प्लस रूट दो और माइनस रूट दो विकल्प दो में है, इसका मतलब 81 का सही उत्तर विकल्प दो हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। अब एक चीज देखो, हमें क्या सब देख रखा है, शून्यकों का योग इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है -3 के बराबर, शून्यकों का गुणनफल इसका मतलब अल्फा गुने बीटा किसके बराबर 2 के बराबर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया कि यह द्विघात बहुपद क्या होगा। आपको फॉर्मूला पता होगा द्विघात बहुपद का, अगर आपको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया गया हो, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुने एक्स और जोड़ मूलों का गुणनफल, यही होता है। अब इसमें पुट कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना है -3 है तो -3x, मूलों का गुणनफल 2 है 2 आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। और चेक करो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कहां पे है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हमें विकल्प 1 में दिख रहा है, मतलब 82 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 तो px का एक शून्यक है। अब शून्यक कहने का मतलब क्या हुआ, वैसा मान जिसको इसमें रखने पर ये 0 के बराबर हो जाए, वही तो शून्यक होगा। बारी बारी से इसको चेक कर लो, हम लोग चाहे तो निकाल भी सकते हैं दोनों शून्यक, नहीं तो हम चेक भी कर सकते हैं। अब देखो हमें क्या दे रखा है, तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 4, बारी बारी से पुट करो, पहले 2 पुट करते हैं, पी 2 पुट करो तो ये कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 2 और माइनस 4, इसको कितना लिख सकते हो 2 का स्क्वायर 4 6 और माइनस 4, अब देखो ये माइनस 10 आ जाएगा, 4 माइनस 10 ये आ जाएगा माइनस 6 जो बराबर नहीं हुआ 0 के, मतलब ये शून्यक नहीं होगा। अब दूसरा चेक करो, दूसरा 4 दिया गया, 4 मान रख के देखो, 4 अगर रखेंगे कितना आ जाएगा 4 का वर्ग माइनस 3 गुने 4 माइनस 4, 4 का वर्ग करेंगे 4 चौके 16, 4 तिया 12 माइनस 4, यहां पे देखो 16 और माइनस 16, 16 माइनस 16 करने पे कितना आ गया 0 आ गया, अगर 0 आ गया इसका मतलब ये एक शून्यक हो जाएगा। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, 83 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अगर आप दोनों को चेक करना चाहते हो तो 0 मान रख के देखो तो भी 0 के बराबर नहीं आएगा, या 3 मान रख के देखो तो भी 0 के बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब हम लोग यहां से कह सकते हैं कि ये सही उत्तर क्या होगा, ये विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा गुने बीटा का मान क्या होगा। अब एक चीज समझो, आपको पता होगा कि अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अब माइनस बी बाई ए होने का मतलब क्या हुआ, यहां देखो x स्क्वायर के गुणांक को हम लोग a कहते हैं, a 1 के बराबर है, x के गुणांक को b कहते हैं, b माइनस 2 के बराबर है, कांस्टेंट टर्म को c कहते हैं, c माइनस 6 के बराबर है। हमें चाहिए क्या, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला याद होगा c बाय a होता है, यहां से आ जाएगा c बाय a, अब c के जगह पे माइनस 6, a के जगह पे 1, या आप इसको माइनस 6 कह सकते हो। अब माइनस 6 कहां है, विकल्प 2 में, इसका मतलब 84 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस ax माइनस b के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन इस सेट में पहले भी आ चुके हैं, यहां पे हमें पता है कि a का मान क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब 85 का सही उत्तर क्या होगा, ये विकल्प d हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a का मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान ज्ञात करें। अब एक चीज समझो, अगर इसकी बात हम लोग करेंगे तो a किसके बराबर दिया गया, तो a 1 के बराबर है, b कितना है माइनस 9 के बराबर है, c कितना है a के बराबर दिया गया। अब आपसे को दिया गया मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल कहने का मतलब अल्फा गुने बीटा, और अल्फा गुने बीटा कितना है 8 के बराबर है, और आपको फॉर्मूला पता होगा मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है c by a। अब c by a कहने का अर्थ हुआ कि c के जगह पे क्या है a है, और a के जगह पे क्या है 1 है, इसका मतलब आप यहां से डायरेक्ट कह सकते हो कि a बराबर कितना आ गया, a 8 के बराबर आ गया।
हमें क्वेश्चन में पूछा गया था ए का मान ज्ञात करें, ए बराबर 8, मतलब विकल्प 3 सही उत्तर होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है। अब शून्यक ज्ञात करना है। अब इसको दो तरीका है शून्यक ज्ञात करने का। पहले तो डी निकाल के अल्फा बीटा निकाल लो तो भी शून्यक निकल जाएगा, और दूसरा यह है कि हम लोग गुणनखंड विधि का यूज करके शून्यक निकाल सकते हैं। चलो गुणनखंड विधि इस्तेमाल करते हैं। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2। अब एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर 2 एकम 2, मतलब इसको क्या लिख सकते हो, 2x प्लस एक्स लिख सकते हो, और प्लस 2। अब यहां गौर से देखो, x कॉमन ले लो, ये कितना आ जाएगा, x प्लस 2 आएगा। फिर प्लस 1 कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। बातें समझ में आ रही है? अब देखो कि x प्लस 2 यहां भी, x प्लस 2 यहां भी, हमने x प्लस 2 को कॉमन ले लिया। अगर x प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 1 बच गया। ओके, अब देखो कि जब हम लोग x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे, जब x प्लस 2 बराबर होगा 0 के, यहां से x माइनस 2 के बराबर आ जाएगा। और जब हम लोग x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर माइनस 1 आ जाएगा। मतलब आपको दो आंसर आ गया, एक माइनस 2 आ गया और दूसरा माइनस 1 आ गया। अब चेक करो कि माइनस 2 और माइनस 1 कहां है। माइनस 2 और माइनस 1 विकल्प 1 में है, तो 87 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यदि x बराबर 1 दोनों समीकरणों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0 और बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0 का मूल हो तो ए बी है। अब ए बी आपसे पूछा गया। अब देखो दोनों का मूल है। अब दोनों का मूल कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इस समीकरण में x का मान 1 रखने पे ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, और अगर इस समीकरण में हम x का मान 1 रखेंगे ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि a गुने b किसके बराबर होगा। अब समझो इसको, हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस ए बराबर किसके, 0 के। अब आप क्या करो, a के हम लोग यहां पे x के जगह पे a मान रख लेते हैं, x के जगह पे 1 मान रख लेते हैं। इसको आप क्या कह सकते हो, 1 का स्क्वायर जोड़ 1 और जोड़ a बराबर आ जाएगा 0 के। 1 का वर्ग करने पे 1 आएगा, 1 प्लस 1 प्लस a और ये बराबर हो जाएगा 0 के। 1 और 1 को जोड़ो 2, 2 प्लस a बराबर हो जाएगा 0 के, या इसको आप लिख सकते हो a बराबर माइनस 2 के। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब इसको यहां पे समझो, दूसरा समीकरण क्या है, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस 3 और ये बराबर हो गया किसके, 0 के। अब एक चीज देखो कि x बराबर 1, तो हम लोग x बराबर 1 यहां भी मान रखते हैं। x बराबर 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो b गुने 1 का स्क्वायर प्लस b गुने 1 और प्लस 3 बराबर हो जाएगा 0 के। इसको आप यहां से लिख सकते हो, 1 का वर्ग करने पे 1, b को 1 से गुना करेंगे b आ जाएगा, b को 1 से गुना करेंगे b आ जाएगा, प्लस 3 बराबर हो जाएगा 0 के। ओके, अब देखो कि b और b को जोड़ेंगे ये 2b आ जाएगा, और 2b बराबर हो जाएगा किसके, माइनस 3 के। यहां से b बराबर कितना आ जाएगा, तो b आपको आ जाएगा माइनस 3 बट्टा 2 के बराबर। ओके, अब माइनस 3 बट्टा 2 आ गया, और हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया कि ab किसके बराबर होगा, ab किसके बराबर होगा, अर्थात a गुना b। a के जगह पे माइनस 2 है, b के जगह पे माइनस 3 बट्टा 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 3 एकम 3, तो मतलब प्लस 3 करेक्ट आंसर होगा। प्लस 3 कहां दिया गया, तो विकल्प 3 में, अर्थात 88 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान है। अब एक चीज समझो, अगर यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले इसको सॉल्व करो, फिर अल्फा बीटा निकालो, इसके बाद ये मान यहां पुट करो तो भी निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है, इसको जरा सा सॉल्व करो, तो 1 बट्टा अल्फा, जरूरत हमें किसकी है, 1 बट्टा अल्फा जोड़ 1 बट्टा बीटा की। यहां से देखो अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, यहां से आपको आ जाएगा अल्फा अल्फा कट जाएगा बीटा, बीटा बीटा कट जाएगा अल्फा। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि अगर हमें मूलों का योग और मूलों का गुणनफल मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। इतना लंबा प्रोसेस तब नहीं चलना पड़ेगा। अब चलो मूलों का योग पता कर लो, ए बराबर कितना है, 1, बी बराबर कितना है, -1, सी बराबर कितना है, 1।
अब चलो हमें क्या करना है, मूलों का योग ज्ञात करना है। तो मूलों का योग कहने का मतलब फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का, बोलोगे सर माइनस बी बाई ए फॉर्मूला होता है, और माइनस बी बाई ए कहने का मतलब माइनस माइनस प्लस एक बट्टा एक, मतलब एक आ गया। और अल्फा इंटू बीटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए होता है, और सी बाई ए कहने का मतलब एक बट्टा एक कहो या इसी को एक कह सकते हो। जरूरत आपको किसकी है, तो अल्फा प्लस बीटा की। अल्फा प्लस बीटा कितना ज्ञात किए, एक। अल्फा गुने बीटा कितना ज्ञात किए, एक। और एक बट्टा एक कहने का मतलब एक, एक सही उत्तर होगा। एक कहां दिया गया, तो विकल्प दो में, तो 89 का सही उत्तर विकल्प दो हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो, आपको अगर एग्जाम हॉल में ये याद ना रहे कि यहां से सॉल्व कर लेना है, तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, पहले एबीसी निकाल लो, फिर अल्फा बीटा निकाल लो, और अल्फा बीटा निकाल करके इस पे पुट कर दो तो भी माना जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप गुणनखंड विधि से अल्फा बीटा ज्ञात कर लो, और इसके बाद फिर इस पे वैल्यू पुट कर दो तो भी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आपको जो प्रोसेस अच्छा लगे यूज कर सकते हो। ओके, यहां आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि यदि 2x - y = √8 के है, तो y का मान ज्ञात करें। अब सबसे पहले एक चीज समझो कि हमें क्या दे रखा है, 2x + y और 2x - y बराबर है। यहां से आप लिख सकते हो 2x + y ये बराबर हमें दे रखा है 2x - y के, और ये बराबर किसके है, ये हमें बराबर दिया गया है √8 के। ओके, इसमें आप समझने की कोशिश करो, 2x 2x कट गया, इस तरफ लेकर के आएंगे तो y जोर y, और ये बराबर किसके आ जाएगा, √8 के। y जोर y कहने का मतलब 2y, और ये बराबर हो जाएगा किसके, √8 के। या आप इसको लिख सकते हो 2y बराबर 8 कहने का मतलब कितना होगा, 2 × 4 × 8, या जिसको आप क्या कह सकते हो, 2√2 कह सकते हो। यहां से हमें क्या चाहिए, y का वैल्यू, तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो 2√2/2, 2 से 2 को आप काट दो, ये आपको √2 के बराबर आ गया। y √2 के बराबर आ गया, और y √2 कहां दिया गया, ये तो किसी ऑप्शन में हमें नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार इसको रीचेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया 2x + y = 2x - y = √8, ठीक है। इसको अगर हमने सॉल्व किया तो हमने यहां पे लिख लिया 2x से 2x कट गया क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, y और इस तरफ लेकर के आए जो y, ये कितना आ गया, 2y। अब एक चीज समझो, यहां पे ये मिस्टेक है, इसको आप हटा लो यहां से। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2x + y बराबर आ जाएगा 2x - y के। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x - 2x = -y - y, 2x - 2x = 0, -y - -y = -2y, तो ये y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 0/-2, 0/-2 कहने का मतलब 0 आ गया। तो यहां से इसका सही उत्तर क्या होगा, तो विकल्प 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 7 + 3√2 है। अब देखो, 7 क्या है, एक परिमेय संख्या, 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, और कभी भी परिमेय और अपरिमेय का सम करेंगे हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगा, अर्थात इसका सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा, 91 का सही उत्तर विकल्प 2। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कहने का मतलब जिस संख्या को आप p/q के रूप में लिख सकते हो, हर कभी 0 के बराबर ना हो। यहां से समझो, √5 नहीं हो सकता परिमेय संख्या, 2√3 ये भी नहीं हो सकता परिमेय संख्या, 4 - √5, तो परिमेय और अपरिमेय का अंतर कभी भी परिमेय नहीं हो सकता। हमें दिया गया √16, अब बताओ √16 को क्या लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, या इसको आप 4/1 भी लिख सकते हो, इसका मतलब 92 का सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। मतलब पूछा गया कि 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, एपी का यूज करके। अब बताओ कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या की बात हो रही है, क्या होगा 0 और 50 के बीच पहली विषम संख्या, अब बोलोगे सर 1 होगा, दूसरी विषम संख्या 3 होगा, तीसरी विषम संख्या 5 होगा। अब देखो, ऐसे गिनना ये तो आसान नहीं है, हम लोग एपी का यूज करेंगे, और आखिरी विषम संख्या क्या होगा, तो 49 होगा। ओके, इसका मतलब आपको TN बराबर मिल गया कितना, 49, और TN का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है A प्लस
एन माइनस वन इंटू डी और ये बराबर हो जाएगा 49 के। अब आपके मन में आएगा कि सर ए और डी क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग ए कहते हैं, मतलब प्रथम पद ए, प्रथम पद एक का बराबर आ गया। कॉमन डिफरेंस जिसको हिंदी में हम लोग सार्व अंतर कहते हैं, सार्व अंतर कितना गया 3 - 1 - 2 के बराबर। अब वैल्यू पुट कर लो, इसका मतलब यहां से ए के जगह पे एक आ जाएगा, जोड़ एन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, एन माइनस एक, डी के जगह पे 2 आ जाएगा और ये बराबर होगा 49 के। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो यहां से एन माइनस एक गुने 2 और ये बराबर हो जाएगा 49 और इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस एक हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो, यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं एन माइनस दो, सॉरी एन माइनस एक गुने 2 और ये बराबर हो जाएगा 49 माइनस एक 48 के, या आप इसको लिख सकते हो एन माइनस एक बराबर 48/2 और 48/2 कहने का मतलब 24 × 48 24 आ गया। हमें पूछा गया एन क्या होगा, तो एन बराबर हो जाएगा 24 और प्लस एक, क्योंकि इस तरफ माइनस में था, इस तरफ शिफ्ट किए तो प्लस में आ गया, 24 प्लस 1 कितना आ गया 25, तो 25 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 0 और 50 के बीच 25 विषम संख्याएं होंगी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि x² + 2x + 1 के शून्यक हैं। अब शून्यक ज्ञात करो, दो विधि, पहला तो हम फॉर्मूला यूज करके डी यूज करें, अल्फा बीटा निकाल लें, दूसरा गुणनखंड विधि से भी। अब गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि सॉल्व करना आसान होगा। यहां से x² + 2x + 1, अब देखो एक एक कम एक, एक एक दो, मतलब इसको लिख सकते हो x² + x + x और ये प्लस एक आ जाएगा। x दोनों के पास है, कॉमन ले लो, x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस एक आ जाएगा, यहां से प्लस एक कॉमन ले लो तो आ जाएगा कितना x प्लस एक। यहां से देखो कि एक आपको मिल गया x प्लस एक और दूसरा भी मिल गया x प्लस एक। चलो देखो, जब x प्लस एक बराबर होगा 0 के, x बराबर कितना आ जाएगा माइनस एक, अर्थात एक आंसर अगर माइनस एक आया तो दूसरा को भी सॉल्व करोगे तो माइनस एक ही आएगा। हमें क्या मिल गया माइनस एक और माइनस एक, अर्थात शून्य क्या मिल गया माइनस एक और माइनस एक, कहां दिया गया तो विकल्प दो में, अर्थात 94 का सही उत्तर विकल्प दो हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया बहुपद 2 - x² + x³ में x² का गुणांक है। अब देखो कि x² का गुणांक क्या है, तो माइनस एक है, तो माइनस एक कहां दिया गया विकल्प दो में, अर्थात 95 का सही उत्तर विकल्प दो हो जाएगा। ओके, अब यहां से अगर आपसे पूछ ले कि x³ का गुणांक क्या है, तो एक है, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, तो दो है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहां आपसे पूछा गया कि यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लॉसौ क्या होगा। आपको पता है कि अगर a और b अभाज्य संख्याएं हैं, इसका मतलब a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ओके, अब देखो कि a और b का अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो लॉसौ क्या होगा, गुना हो जाता है। जैसे मान लो a के जगह पे हम लोग 2 मान लेते हैं क्योंकि 2 भी एक अभाज्य संख्या है, b के जगह पे हम 3 मान लेते हैं, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, और अगर हम बोलेंगे लॉसौ निकाल लें क्या बोलोगे, सर 2 × 3 मतलब 6 होगा। ओके, 6 होगा, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा a × b आ जाएगा। a × b कहां दिया गया, तो विकल्प 3 में, अर्थात 96 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 2 लगातार संख्याओं का मौसौ क्या होगा। अब 2 लगातार संख्याओं का मौसौ, अब चलो एक संख्या हम 2 ले लेते हैं और दूसरी संख्या हम 3 ले लेते हैं, अब बताओ 2 और 3 का मौसौ क्या होगा। अब बोलोगे सर 2 और 3 में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो इसको 2 को आप क्या लिख सकते हो 1 × 2, 3 को क्या लिख सकते हो 1 × 3, अर्थात गौर से देखो तो 1 के अलावा कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, और जो कॉमन आता है वही मौसौ होता है, अर्थात मौसौ कितना आ गया 1 के बराबर आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि 97 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 5005 कि कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। अब 5005 के आपको अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने हैं, तो यहां से आप देखो, अब चाहो तो इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी प्राप्त कर सकते हो। देखो 5005, ठीक है, अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, अगर 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5001। ओके, कितना आ गया 001। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना से हो जाएगा,
अब 5 से विभाजित करने के बाद और तो किसी से विभाजित होता हुआ नहीं दिख रहा है। हम अगर 5 से 3 से विभाजित करें तो नहीं होगा, 2 से विभाजित करें नहीं होगा, 7 से चेक करके देख लेते हैं। अगर 7 से चेक करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1001 का, तो 7 × 7 3 × 10 0, 7 × 4 28, 2 × 3 1, 7 × 3 21 हो सकता है। इसका मतलब अगर इसको 7 से विभाजित करें ये कितना आ जाएगा, 143 आ जाएगा। अब 143 किससे विभाजित होगा, चेक कर लो भैया, 143 अगर विभाजित करें तो 7 से होगा क्या, 7 × 7 6 13 हो सकता है। 7 से अगर करेंगे 7 × 7 नहीं होगा, 7 × 7 14 आ जाएगा, मतलब 7 से तो नहीं होगा। चलो किसी और से ट्राई करते हैं, कितना है, 143 है। अब 7 से तो नहीं हुआ, अब 9 × 11 से करके देखते हैं, 11 से होगा क्या, नहीं होगा। चलो 13 से करके देखते हैं, 13 × 1 = 13 1 × 14 फिर 3, 13 × 13 मतलब कितना आ गया, 13 से तो कर सकते हैं। अगर 13 से कर देंगे कितना आ जाएगा, 13 × 11। अब गौर से देखो, क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो 1, 2, 3, 4 टोटल 4 अभाज्य गुणनखंड होंगे। 4 कहां है, विकल्प 2 में, 98 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। अब चेक कर लो, हमें क्या पूछा गया, 96 का अभाज्य गुणनखंड, यहां से 96 का आप अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 से भाग करेंगे 48 आएगा, 2 से भाग करने पर 24 आएगा, 2 से भाग करने पर 12 आएगा, 2 से भाग करने पर 6 आएगा, 2 से भाग करने पर 3 आएगा, अर्थात इसको क्या लिख सकते हो, तो 96 बराबर हो जाएगा, 2 कितना बार आया, तो 1, 2, 3, 4, 5 बार, इसका मतलब इसको लिख सकते हो 2 का पावर 5। 3 कितना बार आया, 1 बार, अर्थात इसको 3 × 1 या 3 लिख लो। अब देखो 2 का पावर 5 × 3 कहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल 2 का पावर 5 × 3 हमें विकल्प 3 में दिखाई दे रहा है, तो 99 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 0.3 के ऊपर रेकडिंग है का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। अब एक चीज देखो, ये क्या है, परिमेय संख्या है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखो 0.3 और 3 के ऊपर क्या है, रिकरिंग है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 3/9 शॉर्ट प्रोसेस में क्या लिख सकते हैं, 3/9, इसको आप 3 × 3 3 × 3 = 9, यहां से कितना मिल गया आपको, 1/3 मिल गया, और 1/3 कहां दिया गया, तो विकल्प 3 में, इसका मतलब 100 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। इसको चाहो तो आप लॉन्ग प्रोसेस से भी बना सकते हो x मानते हुए। ओके, ये आपका आखिरी क्वेश्चन था, इसके साथ ही ये सेट कंप्लीट होता है। लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।